तो दोस्तों अभी इसको अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि वो वाला जो शाफ्ट है उसका बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तो इसको अभी लगा दिया हूँ। कार्बन कार्बन सब घिस चुका हूँ और चलाते हैं इसको। थोड़ा सा स्पीड एडजस्टमेंट है, थोड़ा सा काम करते हैं, उसको चलाना स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है कि नए से वीडियो में। तो आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो आज आपके पास लेके आ चुका हूं। तो आज आप देख पाएँ दोस्तों, मेरे पास ये आया हुआ है एक ड्रिल मशीन। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है आज इसको सॉल्व करेंगे और किस किस कारण के चलते इसको प्रॉब्लम आते हैं वो भी आपको डिस्कशन करेंगे। तो सबसे मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो इसके प्रॉब्लम क्या है, तो यहाँ पर जैसे आप लोग देख पाएँ दोस्तों, यहाँ पर होते हैं उसकी कार्बन ब्रश होती है, और यहाँ से आपका कस्टमर का बोलना है कि यहाँ से चिंगारियाँ निकलता है। ज़्यादा ड्रिल करते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए ड्रिल करते हैं, तो यहाँ पे चिंगारियाँ बहुत ज़्यादा निकलने का शुरू हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, ये जो शाफ्ट है ये पूरी तरह से हिल रहा है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये जो शाफ्ट है ये कितनी लूज हो चुकी है और ये हिल रहा है। तो ये इसकी प्रॉब्लम है, तो आज इसकी कारण जानेंगे। तो फटाफट से इसको ओपन करते हैं और किस लिए ये चिंगारियाँ निकल रहा है और क्यों इतना ये शाफ्ट हिल रहा है, तो आप सबके सामने में आपको पेश करूँगा, बताऊँगा सबको बारी बारी करके स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, सारा का सारा स्क्रू यहाँ पर निकल चुका है, तो इसको ओपन करेंगे। तो कुछ केस में अगर आपका ये निकल नहीं रहा है तो आप इसमें स्क्रू ड्राइवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तो टेस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आप देख पाएँ दोस्तों, यहाँ पे ये जो बेरिंग है ये फ्रीली यहाँ पे घूम रहा है, ये यहाँ पे फिक्स होना चाहिए था, तो ये घूमना था। तो एक प्रॉब्लम तो यहाँ पे है और दूसरी प्रॉब्लम आप देखेंगे दोस्तों, ये बेरिंग में हमको मेरे को प्रॉब्लम लग रहा है और इसको निकालते ही आपको पता चलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम इसमें है। तो सबको बारी बारी करके निकालेंगे इसको। तो ये बेरिंग देखिए दोस्तों, बहुत पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, तो इसको सबसे पहले ओपन करेंगे। तो इसके लिए हमको ये वाली जो गियर है, इस वाले गियर को निकालना पड़ेगा और उसके बाद इस वाली बेरिंग को निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक इसकी लॉक है, उसको निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो दोस्तों, इसकी जो प्रॉब्लम है मेन है, ये वाली जो बेरिंग है ये ख़राब हुआ है, और सबसे मेन बात इसकी जो पहले जो सॉकेट है, ये जो सॉकेट आप देख पाए दोस्तों, तो ये है बूस्ट सिस्टम है, तो ये बूस्ट इसकी खा गई है, एक तरफा इसकी पूरी तरह से इसको खा चुकी है, और इसी वजह से इसकी ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। ये बूस्ट आप देख पाएँ दोस्तों, एक साइड इसे खा चुका है, तो देखना पड़ेगा कि ये बूस्ट मिलता है या निकलता है कि नहीं। अगर निकलेगा तो नया बूस्ट डलेगा, या तो ये वाला जो सेट है पूरी की पूरी नया डलेगा। तो बात करके देखते हैं क्या होता है, अगर ये इसकी बूस्ट निकल जाएगा तो इसमें यहाँ पे नया बूस्ट डाल देंगे, नहीं तो ये वाली पूरा सेट ही नया डालेगा। उसके बाद इसकी तो ये बेरिंग ही निकालनी पड़ेगी, ये बेरिंग ख़राब हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद और एक तो मसला है कि इसमें जो आग चिंगारियाँ निकल रहा है, तो ये वाली तो बेरिंग सही है, ठीक है, लेकिन ये बेरिंग थोड़ा सा ख़राब है, ये ज़्यादा हिल रहा है, तो इसको निकालेंगे, तो ये नया डालेंगे। तो बेरिंग फटाफट से निकालते हैं, और निकालने के बाद ये एक बेरिंग, वो एक बेरिंग, दो बेरिंग निकलेगा, नया डलेगा, और उसके बाद इसकी जो इस वाली जो शाफ्ट है बूस है ये खा चुकी है, इसको चेंज करना पड़ेगा।
तो दोस्तों अभी इसको अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि वो वाला जो शाफ्ट है उसका बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तो इसको अभी लगा दिया हूँ। कार्बन कार्बन सब घिस चुका हूँ और चलाते हैं इसको। थोड़ा सा स्पीड एडजस्टमेंट है, थोड़ा सा काम करते हैं, उसको चलाना स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा दोस्तों यहाँ पे कैसे हो रहा है। तो इसका वो वाला ही चीज़ ख़राब हो चुका है, पूरी तरह से खा चुका है, और यहाँ पे जो लगता है बूस्ट वो ख़राब है। तो इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे गर्म होना स्टार्ट हो जाता है।